बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 10th की बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक्स। एंड हम शुरू करेंगे एंटीबायोटिक्स से, उनकी टाइप्स से, उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स से, और हम एंड करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला भी है और बहुत इंपॉर्टेंट लोगों क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज इस पूरे बोर्ड के ऊपर सिर्फ एंटीबायोटिक्स के बारे में सारा कुछ होगा, लेकिन इसमें से दो लॉन्ग बनते हैं या एक लॉन्ग और बहुत सारे शॉर्ट बनते हैं, तो आपकी मर्जी है। आपने परसीव करना है कि हमने किस किस तरह इसको तैयार करना है। मैं साथ साथ एग्जाम बताता भी जाऊँगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। एंटीबायोटिक्स को बेटा अगर मैं डिफाइन करूँ ना, तो हम ये कहते हैं कि दीज आर द ड्रग्स, ये वो दवाइयाँ हैं विच किल यानी या फिर और स्टॉप दी ग्रोथ, या तो बैक्टीरिया को मार देती है या फिर उनकी जो है वो ग्रोथ को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, इनका फायदा क्या होता है। अच्छा, एक और मजे की बात सुने, आपने देखा था ना ड्रग्स हम बैक्टीरिया से भी लेते थे, है ना, तो पता है क्या है कि दे आर मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट दे आर मोस्टली टेकन या ऑब्टेंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी फंजाई, पेनिसिलिन फंजाई से ली थी, ठीक है, एंड आर यूज्ड अगेंस्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं बेटा, ये वाली बात आपको आइडिया हो गया कि ये वो दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, अब इसमें फंगल के लिए अलग हो जाती हैं, तो फिर हम सिर्फ बैक्टीरिया का लफ्ज़ ही लिख देते हैं तो आसान हो जाता है। सही है, इवन ऐसी कई दवाइयाँ होती हैं जो मल्टीपर्पज़ होती हैं, वो फंगाई के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव होती हैं, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी इफ़ेक्टिव होती हैं, इसी तरह हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई। अच्छा बेटा, दो तरह की होती है एंटीबायोटिक। एक होती है, अगर आप देखें तो एंटीबायोटिक की दो तरह की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन करते हैं कि या तो बेटा ये होती है बैक्टीरिसाइडल। क्या होती है बैक्टीरिसाइडल? मतलब जो किल कर देगी बैक्टीरिया को। दीज आर दी एंटीबायोटिक्स विच किल दी बैक्टीरिया। इनकी एग्जाम्पल है बेटा पेनिसिलिन, ठीक है, सेम इज विद सेफलोस्पोरिन्स। ये पूरे ग्रुप हैं, ये पेनिसिलिन्स का भी पूरा ग्रुप है। पेनिसिलिन पहले एक एंटीबायोटिक थी, फिर उसको मॉडिफाई कर करके एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया गया है। ये बेटा मार देती हैं बैक्टीरिया को, और कई दफ़ा हम इन एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब बैक्टीरिया मरते हैं, कई दफ़ा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव्स, जो कि जब मरते हैं ना, तो वो बॉडी के अंदर जहर, जब वो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जहर बन जाती हैं, तो वो फिर हमें और नुकसान करते हैं। इसलिए कई दफ़ा हमें बैक्टीरिया को मारना नहीं होता, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करना होता है। समझ आ गई बात की? तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, यानी ये वो एंटीबायोटिक्स हैं बेटा जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, उनको मारती नहीं है। सही है, दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, दे डू नॉट किल द बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल सल्फर ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन्स, हम डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में। तो एक पता लग गया। फिर एक और चीज होती है बेटा, एक एंटीबायोटिक्स की एक और क्लासिफिकेशन भी है। ये तो एक क्लासिफिकेशन होगी ना कि उसका एक्शन क्या है, मारती है या ग्रोथ को स्टॉप करती है। तो ग्रोथ को स्टॉप करने से क्या होगा बेटा, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप की ना, तो पुराने जिंदा रहेंगे, थोड़े थोड़े करके मरेंगे, तो बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा, तो नए पैदा ही नहीं होंगे, नए बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे, पुराने आहिस्ता आहिस्ता मरेंगे, तो बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। सही है, तो अब अगर हम देखें एंटीबायोटिक्स, एक इनकी एक और क्लासिफिकेशन भी होती है बेटा, तो उनको हम कहते हैं
एंटीबायोटिक्स की एक और क्लासिफिकेशन होती है नैरो स्पेक्ट्रम, क्या, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि 1, 2, 3, 4, 50, 100, 200 ये इतनी डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया के ऊपर ये दवाई अगर आप मारेंगे तो एक्शन कर जाएगी। समझ गए बात को? यानी विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ये साल्मोनेला के खिलाफ भी है, ये पास्चुरेला के खिलाफ भी है, ये क्लॉस्ट्रीडियम के खिलाफ भी है, ये फ्लां बैक्टीरियम के खिलाफ भी है, ये फ्लां के खिलाफ भी है, फ्लां के, समझ रहे हैं ना? यानी विच इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? द एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और जो नैरो स्पेक्ट्रम है मतलब ये थोड़े से खास एक दो बैक्टीरिया के खिलाफ स्पेसिफिक होगी, सही है? तो हम कहेंगे दे आर स्पेसिफिक टू स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सही है? मसलन माइकोबैक्टीरियम के खिलाफ एक एंटीबायोटिक है जो आम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, सही है? या कुछ ऐसी एंटी, समझ रहे हैं ना? बस ये आपको आइडिया हो गया कि कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होती है और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। और फिर एक बात आपको मैंने पहले बताई हुई है कि एंटीबायोटिक बेटा प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं। कौन सी ड्रग्स हैं? प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं। और इसका मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग्स मतलब ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जा सकती, ठीक है? लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर पर्चियों पर एंटीबायोटिक लिख के देते हैं। तकरीबन पाकिस्तान में हर पर्ची पे एक या दो एंटीबायोटिक्स एट द सेम टाइम लिखी होती हैं जो डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि ये भी एक अब बड़ा बहुत बड़ा एक वो बन चुका है बिजनेस। अच्छा बेटा अब आते हैं इनकी टाइप्स के ऊपर। तो बेटा एंटीबायोटिक्स की 12-13 डिफरेंट तरह की ग्रुप्स हैं, जिनमें से तीन ग्रुप आपको सिखाए गए हैं आपकी किताब के अंदर, जिनमें पहला ग्रुप कौन सा है? पेनिसिलिन ही है कि सेफलोस्पोरिन है? दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन चलो आपकी किताब में लिखा है तो उसकी बात करते हैं। स्पेलिंग देखिएगा सही है ना? ये मार्कर मैंने इंक भी भरा है फिर भी नहीं चल रही, खैर है। सेफलोस्पोरिन ये एक ऐसा ग्रुप है बेटा एंटीबायोटिक्स का जो कि हम कहेंगे, अच्छा जब भी आपने देखना है ये बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक है। क्या है? अब आपको पता है कि ये कौन सी है, मतलब ये क्या करती होंगी? बैक्टीरिया को मारती होंगी। कैसे मारती हैं? दे इंटरफियर विद बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करती हैं। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करती हैं तो बैक्टीरियम मर जाता है, फुड़क जाता है, सही है? और ये वाली जो एंटीबायोटिक्स है इनकी एग्जाम, अच्छा ये कहां इस्तेमाल होती हैं? सोर थ्रोट के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, नमूनिया के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी दवाई कब कब, लेकिन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स इस तरीके, ये कोई रूल नहीं है कि सेफलोस्पोरिन को ही इस्तेमाल करना है दूसरी वाली को नहीं करना। इसके लिए बेटा एक टेस्ट होता है कल्चर सेंसिटिविटी, या हमें पता लगता है कि ये वाली एंटीबायोटिक ये काम करेगी ये वाली काम नहीं करेगी तो फिर हम वही लगाते हैं, वो लैब के अंदर पहले हम टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो बस इसलिए मैं ये नहीं लिखता कि ये कहां कहां इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल बस दे देता हूं, वो क्या है? सेफ्ट्राइओक्सोन। आपने अक्सर ये जिंदगी में आपने एक ना एक बार ऑक्सीडिल का टीका जरूर लगवाया होगा, ठीक है? तो ये सेफ्ट्राइओक्सोन उसके अंदर होती है, सेफ्ट्राइओक्सोन सोडियम। इसके अलावा बेटा सेफालेक्सिन, ये दो आपको सेफाड्रिन सेफाड्रिल, इसके अलावा बहुत सारी और हैं, तो वो उसके बारे में आपको इतनी टेंशन नहीं जरूरत। सेफ्टियोफॉर हाइड्रोक्लोराइड वेलोसेफ कैप्सूल में आती है। अच्छा ये आपको समझ आ गई। दूसरा जो एक ग्रुप है ना बेटा उनका नाम है उनका नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन्स, साइक्लिन्स। ये बेटा एक बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रुप है, देखो यही है, ये बैक्टीरियाइडल नहीं है, ये
बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रुप है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब यह है कि ये बैक्टीरिया की सेल जो है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे स्टॉप करेंगे, बाय बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन, देखो ना एक सेल नया बनना है, उसके लिए नई प्रोटीन चाहिए ना, तो ये बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बनने देते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते, सही है। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, दे स्टॉप द ग्रोथ करते हैं कैसे, बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। बेटा अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक बात बताओ, अगर एक सेल को मजीद ग्रो होने से रोकना है तो या तो उसकी प्रोटीन ना बनने दो, या फिर उसकी डीएनए ना रेप्लिक, याद है ना किसी सेल को डिवाइड करने के लिए उसको नया डीएनए बनाना पड़ता है और नई प्रोटीन बनानी पड़ती है, तो या उसकी प्रोटीन ना बनने दो या फिर उसका डीएनए स्टॉप कर लो। तो ये दोनों तरीकों से कोई भी सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस रोकती हैं। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के भी 100 तरीके हैं, या ट्रांसक्रिप्शन रोक दो या ट्रांसलेशन रोक दो। ट्रांसक्रिप्शन तोड़ने के रोकने के भी 100 तरीके हैं, क्या जो जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होते हैं उनको ब्लॉक कर दो, या फिर कोई और एंजाइम को ब्लॉक कर दो, या तीसरे को ब्लॉक कर दो। सिमिलरली जो ट्रांसलेशन रोकने के तरीके क्या हैं, या तो राइबोसोम को पकड़ लो, या मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के ऊपर जुड़ने ना दो, या मैसेंजर आरएनए को तोड़ दो, समझ रहे हैं ना बात को। तो उसके हिसाब से इवन मैसेंजर राइबोसोम को पकड़ना है तो दो राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं, आपको पता है, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, और तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, तो समझ रहे हैं ना। हर तरह की एंटीबायोटिक एग्जिस्ट करती है जो कि बैक्टीरिया की आगे मजीद ग्रोथ होने से रोकती है, चाहे डीएनए ब्लॉक करके, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक, ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, सही है। इनकी एग्जांपल है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, आमतौर पे ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, लंग्स वगैरह के इन्फेक्शन को क्लियर करने में वो सारे इस्तेमाल हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है बैक्टीरियम कौन सा है, जो बैक्टीरियम हैवी है ना, जोन सा बैक्टीरियम है उसके हिसाब से दवाई इस्तेमाल होगी, ये नहीं कि ये ग्रुप है तो इधर लगेगा, ये बस ऐसे एग्जांपल्स में बता दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए वो नहीं लिखता ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसी तरह से बेटा डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से भी एक दवाई आती है, ये मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस को क्लियर करने में हेल्प करती है। तीसरी जो टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं वो है बेटा कौन सी, सल्फोनामाइड्स या सल्फा ड्रग्स, और स्पेलिंग देखना सही है, एफ ए के पी एच तो नहीं है, सल्फो हेलो सल्फोनामाइड्स, बेटा ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हैं। आप जानते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, कि दे विल इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल प्रोटीन, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे कैसे, बाय इनहिबिटिंग द फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड बेटा बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए एक चीज चाहिए होती है, उसका बनाने में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं ये उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया नहीं। ये आमतौर पे यूरिनरी, ये वाली दवाइयों के बारे में कह सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके अंदर, उनको सही करने के लिए ये दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। एक और बात याद रखिएगा बेटा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, खैर ये जो दवाइयां हैं ये आमतौर पे सल्फा ग्रुप जो है ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं है, ये और भी दवाइयां ऐसी हैं जिनके अंदर सल्फोनामाइड ग्रुप होता है लेकिन वो एंटीबायोटिक्स नहीं है, मतलब वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं उनके अंदर भी होता है। खैर वो किताब में बस छोटा सा एक पॉइंट लिखा था, मैंने आपको बता दिया। अब आपको तीनों तरह के ग्रुप समझ आ गए हैं, अब बेटा मैं इनकी आपके सामने एक आखिरी चीज बताता हूं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये इसको डिफाइन अगर मैं करूं ना तो हम कहेंगे बेटा दिस इज द अबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू अवॉइड
the effect of antibiotic, यानी एंटीबायोटिक उनके ऊपर असर नहीं कर पाती। एंटीबायोटिक बड़ी इंपॉर्टेंट दवाइयां होती हैं, बड़ी महंगी, बेटा 20-20 साल लगते हैं एक एंटीबायोटिक की टेस्टिंग के ऊपर और फिर वो बनना शुरू होती है। तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर, देखो ना मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होती है, एक होती है बेटा टॉलरेंस। टॉलरेंस है कि अभी मैंने एक जो है वो दवाई खाई थोड़ी सी, या एक मैंने इंसान ने, ठीक है, और वो थोड़ी मुझे असर हो गया, जिस तरह नींद की गोलियां लोग खाते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद अगली दो एक रोज, कल भी उन्होंने एक खाई, परसों भी खाई, जब 2-3 हफ्ते गुजरे ना तो अब उनको एक गोली का असर नहीं होता, अब 2 खानी पड़ती है। इसे कहते हैं बॉडी टॉलरेट कर गई है इसको। लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए टॉलरेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, रेजिस्टेंस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपने अंदर ऐसी मैकेनिज्म बना ले, देखो बैक्टीरिया भी तो जिंदा चीजें हैं ना, अगर रोज फर्ज किया अल्लाह ना करे कोई रोज आ जाए सैलाब आ जाए या रोज आंधी तूफान आ जाए, तो हम कभी ना कभी इंसान जो है वो थोड़े बहुत अपने घरों को इस तरह बनाना शुरू कर देंगे कि वो तूफान वगैरह से बच जाए, क्या नहीं? इसी तरह बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर लेते हैं, ऐसे एंजाइम पैदा करना शुरू कर देते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। समझ आ गई बात की? इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि वो एंटीबायोटिक के असर को कम कर देते हैं या खत्म ही कर देते हैं, उससे बच जाते हैं। इससे क्या होता है, जितने पैसे आपने खर्च किए, जितना दवाई खा के आपने अपने ऊपर बोझ डाला, वो सारे का सारा, और आपकी बीमारी का इलाज भी नहीं हुआ, सही है ना? तो बड़ा नुकसान की बात है। तो अब आते हैं बेटा के, यानी हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू जनरेट मैकेनिज्म्स टू डिस्ट्रॉय एंटीबायोटिक, सही है? और ऐसा क्यों होता है, अब सवाल ये पैदा होता है, इसकी दो वजह है बेटा, इसकी दो वजह क्या, पहली वजह हम कहेंगे काज क्या है, और काज के अंदर मेन काज फिर मैं समझाऊंगा। सबसे पहली वजह होती है रिपीटेड एक्सपोजर, क्या बेटा, ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक आपने दी, फर्ज किया बेटा आपने वो देनी थी एक गोली, मैं आसानी से समझाता हूं, एक गोली आपने देनी थी पूरी, आप शोखे हुए, डॉक्टर ने मुझे एक गोली लिख के दी है, नहीं मैं छोटी गोली खाऊंगा या मैं अधी खाऊंगा, सही है? अपनी तरफ से आपने बड़ी साइंस लड़ाई और आपने क्या लोई जी मैंने दवाइयां गंदी होती हैं मैंने नहीं खानी, डॉक्टर ने मुझे पूरी गोली लिख के दी है मैंने एक खानी है आधी खानी है। उससे क्या हुआ बेटा कि आप, अच्छा डॉक्टर ने कहा है, अच्छा इसे कहते हैं डोज, डोज क्या कहते हैं, यानी आपने क्या किया सबसे, इसकी यानी रिपीटेड एक्सपोजर क्यों आता है, सबसे पहले आप डिक्रीज करते हैं डोज को, जो डॉक्टर ने लिखी है जो रिकमेंडेड है उससे कम खाते हैं, और दूसरा होता है कि डोजेज का मसला, ठीक है? डोजेज किसे कहते हैं, डोज कहते हैं कितनी खानी है, और डोजेज कहते हैं एक दिन में कितनी दफा खानी है, यानी सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर लिखता है 1+1, इसका मतलब है सुबह शाम, 1+1+1, ये सुबह दोपहर शाम, और अगर वो लिख दे के OID once a day वो, या BID TID thrice a day twice a day वगैरह वगैरह। अच्छा इसका मतलब ये है कि एक बंदा अगर अब जितनी दफा उसको खानी है, वो कहे नहीं डॉक्टर ने मुझे कहा था सुबह दोपहर शाम, तो मैंने सिर्फ सुबह शाम खाई है, बल्कि मैं एक ही दफा खाऊंगा बस, ठीक है? या अगर बंदे ने कहा मेरे यार गला खराब हो रहा है, मैं एक एंटीबायोटिक की एक गोली खा ली, हाँ खा ली, अच्छा यार, अच्छा थोड़े से बैक्टीरिया तो बचे ही होंगे ना, तो आपने क्या किया, आपने कहा नहीं बस सही हो गया था, दूसरी गोली आपने खाई ही नहीं। अब वो जो बैक्टीरिया बच गए थे ना, वो जो एंटीबायोटिक, देखिए ना एंटीबायोटिक बेटा हमारे ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है यूरिन के अंदर और इधर उधर। दवाई जब हम दवाई खाते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, ऐसे अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं ना, तो अगर जब हम दवाई खाते हैं ना, यहाँ पे फर्ज किया इतनी कंसंट्रेशन होगी तो बैक्टीरिया मरेंगे,
तो बेटा सबसे पहले आप दवाई खाई, दवाई आपने खा ली, ब्लड के अंदर जानी शुरू हुई और बढ़ गई, यहां पे आ गई, सही है। अब वो एंटीबायोटिक थोड़ी देर के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी और उस वक्त आपको दोबारा दूसरी गोली लेनी है ताकि वो दोबारा उसी लेवल पे मेंटेन रहे। लेकिन आपने ये गोली स्किप कर दी तो अब वो थोड़ी सी एंटीबायोटिक जब आएगी ना, बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, लेकिन जब मरेंगे नहीं तो उनको पता लग जाएगा अच्छा ये एंटीबायोटिक है, वो फिर अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेंगे, सही है। तो जब तक सारे बैक्टीरिया मरते नहीं है इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता, इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक्स 3 दिन तक या 5 दिन तक, जितने दिन डॉक्टर फरमाए उतने दिन तक खानी चाहिए। लेकिन लोग अपने पैसे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आजकल महंगी भी बड़ी है, लोग या तो पैसे बचाने के लिए या फिर शोखी मारने के लिए कि भाई मैं सही हो गया था, डॉक्टर ने, मैंने एक दिन ही खाई है भाई, डॉक्टर ने कहा था मैं 3 दिन खानी, मैं एक दिन खा के सही हो गया हूँ, देखो देखो। तो उससे क्या होता है कि आप खुद नुकसान कर रहे होते हैं। ये रिपीटेड एक्सपोजर बेटा इस वजह से आता है, ज्यादा वजह। दूसरी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं, वो हम कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिड्यूज। क्या बेटा, बेटा समझ आ रही है ना, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज इन फूड। अब होता क्या है कि हम लोग मुर्गियां पाल, मतलब पोल्ट्री फार्म के लोग मुर्गियां पाल, अब ज्यादातर चिकन ही खाया जाता है ना, वैसे सब्जियां भी खाई जाती हैं। तो पोल्ट्री फार्म के लोग जब वो मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए या उनको बीमार ना हो उनके लिए उनको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, सही है। सिमिलरली जो जानवरों को पालते हैं, गाय भैंस दूध लेने के लिए, उनको भी जानवर बीमार हो गया तो वो फिर एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं। वो जब एंटीबायोटिक्स उनको देते हैं ना, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, उनके दूध में आती हैं और मुर्गियों के गोश्त में आती हैं, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे रिकमेंडेड क्या है कि एक गाय जो है, आज आपने उसको एंटीबायोटिक दी है तो फिर आप उसका जितने दिन तक आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं उतने दिन तक या उससे 1-2 दिन ज़्यादा आप उसका दूध खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दूध में एंटीबायोटिक्स होंगी जो जब आप खाएंगे आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो जो बैक्टीरिया आपके अंदर है वो ऑलरेडी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी होती है ना, ज़्यादा नहीं होती, तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाएंगे। नहीं समझ आई इस बात की, ठीक भी थोड़े थोड़े बार बार थोड़ी थोड़ी एंटीबायोटिक आती रहेगी, बैक्टीरिया कहेंगे वो उन पर असर कर नहीं सकती, उनको मार तो सकेगी नहीं, तो फिर वो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाएंगे, सही है। तो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज गोश्त में भी आते हैं, मछलियों के गोश्त में भी आते हैं, लोग मछलियां फार्म पालते हैं तो पानी के अंदर एंटीबायोटिक्स मिलाते हैं ताकि मछलियां बीमार ना हो, सही है। इसी तरह मुर्गियों के तो वो उसके सारे मसले मसाइल भी हैं। इसकी वजह से पता है क्या होता है बेटा, यानी ये तो आपको मैंने बता दी, वजह बता दी, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी बता दी, उसकी वजह भी दोनों एक्सप्लेन कर दी, आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये दोनों हेडिंग्स हैं अंदर, जो बातें मैंने लिखी हैं किताब में भी लिखी हुई हैं। लास्ट है बेटा, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। बेटा बस मैं एक ही इफेक्ट बताना चाहता हूँ, बस एक तो आपका इलाज नहीं होगा ऑब्वियसली, अगर रेजिस्टेंस डिवेलप होती है ना, 20-20 साल लगा के मेहनत करके जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो एंटीबायोटिक बनी होती है वो इंसानों की ज़रा सी फजूल सी मिस्टेक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और इंसानों को लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। बेटा आप गौर करें तो पहली जनरेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इवन फिफ्थ जनरेशन तक एंटीबायोटिक्स आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, जो लेटेस्ट हैं 100-200 रुपए की एक गोली आ जाती है। और हमारे यहाँ मुझे ये बात सुन के कह के और बड़ा बहुत दुख हो रहा है कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो जब शुरू करते हैं तो 4th जनरेशन से शुरू करते हैं एंटीबायोटिक, और वो एक एंटीबायोटिक 65-70-80-200 रुपए 100 रुपए की आ जाती है, और जब वो बच्चे, उन बच्चों को जो पहली जनरेशन वाली एंटीबायोटिक है वो देते ही नहीं है। अब बेवकूफ़ो, पहले उनको वो दो, अगर वो असर नहीं करती तो फिर आप अगली जनरेशन पे जाएं। एक बच्चा है, उसको, उसने पहले कोई एंटीबायोटिक्स नहीं खाई, सिर्फ माँ का दूध पिया है, उसको भी 4th जनरेशन एंटीबायोटिक। मैंने देखा है कि छोटे बच्चे को बीमार, उसको ऑक्सीडिन लगा रहे हैं, लो जी सही है, और उसको हैवी एंटीबायोटिक। क्यों? ये डॉक्टरों का भी कसूर है क्या कि वो जो कंपनियां हैं वो उनकी एंटीबायोटिक बिकती है, वो जो पुराने वाली एंटीबायोटिक्स थी वो बेचती नहीं है, जो लेटेस्ट है वो ज़्यादा बेचती हैं, वो मार्केट में आ जाती है, उसको इतना ज़्यादा
बूम दिया जाता है कि वो बहुत यानी ज़्यादा उसकी मार्केटिंग की जाती है, वो बिकना शुरू हो जाती है। डॉक्टर भी धड़ाधड़ वही लिखते हैं कि हमारा मरीज जल्दी ना ही ठीक होगा तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो उससे क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स बढ़ती जाती हैं और बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस, जब यही बच्चा, जब हम छोटे थे तो मुझे आज भी छोटी छोटी एंटीबायोटिक्स असर कर जाती है, वो हमने कभी खाई नहीं थी या बहुत कम खाते थे, बहुत कम ज़रूरत के मुताबिक जो है ना, जब होती नहीं तब पूरा कोर्स करते थे एंटीबायोटिक्स का, तो नहीं तो नहीं खाते थे। सही है, और उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता तो बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस यानी कम होनी शुरू हो जाती है, जो हमारे इंटरनली बैक्टीरिया हैं, जो बाहर से हमने लेने हैं वो तो ऑलरेडी रेजिस्टेंट होते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं। समझ आ गई बेटा बात की, तो ये आपको लग गया पता। एक तो इसका अच्छा कंट्रोल क्या है ये मैंने बताया नहीं, इसका यानी ये इफेक्ट का समझ आ गया ना, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल ये होता है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी एंटीबायोटिक खाई जाए, जितने दिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब रिकमेंड करे उतने दिन खाए, ये लिखा है और ये लिखना कंट्रोल की हेडिंग भी देना सही है, उतने दिन खाई जाए और जो एंटीबायोटिक रेजिड्यूज आते हैं फूड के अंदर उनको रोका जाए, या फिर ऐसे कोई कानून बनाया जाए कि आप एंटीबायोटिक्स जानवरों में इस्तेमाल तब करेंगे जब ज़रूरत होगी और उस वक्त उसका गोश्त और दूध नहीं बेचेंगे, क्योंकि यूके के अंदर ये बैन है एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करनी मुर्गियों के लिए। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। वैक्सीन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।